अरे अब प्रैंक नहीं है ना करो, आप सब ठीक होंगे। मैं दो दिन से व्लॉग नहीं आया था मैडम, मैंने कहा कि डाल ही देती हूँ, ठीक है। तो खैर मैंने आप लोगों को पिछले अपने एक व्लॉग में ये बात बोली थी कि मेरी जो फिश के साथ जो मेरी हालत हुई थी, आपको दिखा देती हूँ पहले, कि मतलब मेरी जो फिश है इतनी गरीब कैसे हो गई एकदम से। तो खैर वो वाला क्लिप मैंने बना के रखा हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं किस व्लॉग में ऐड करूँ उसको, तो आप देखे जाके क्या हुआ था उस टाइम पे, मेरा कैसे टूटा था जो भी था। तो खैर आप लोग जाके देखे, तब तक मैं बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। ओके यार, तो ये देखे पानी लीक होता जा रहा है नीचे ना, नीचे आपको उठा के दिखा नहीं सकती, नीचे उसका पूरी खराश आ गई है। मैं आप लोग को एग्जैक्टली दिखाती हूँ कि लगा कैसे था, क्योंकि मैं वो बाउल से पानी चेंज कर रही थी और वो यहाँ पर ऐसे करके मैं नीचे रख रही थी तो टक करके लगा, उसकी वजह से बहुत तेज आवाज आई और मुझे लगा नहीं टूटा, बट मैं जब पानी भर लिया तो मैं देखा ये टक टक कतरे गिर रहे और वो लीक हो रहा था। खैर अब मम्मा को बताती हूँ, मेरे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, बाउल चेंज करना पड़ेगा या अभी जल्दी से नया लेकर आना पड़ेगा। वो देखो यहाँ से खराश शो भी हो रही है शायद, ये देखे यहाँ से सारा टूटा है, वो देखो भी टूटा पड़ा, इसको भी लगना और यहाँ सारा पानी लीक हो रहा है। और मम्मा इधर अपनी ही बेटी की टिकटॉक पता नहीं किस किस की देखी। मम्मा मैंने आपको एक बात बतानी है, प्लीज आएंगी, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे वो फिशू का बार, मिशू का सॉरी बार, वो जो था ना बाउल, वो टूट गया, प्लीज आएंगी। अरे अब प्रैंक नहीं है, प्लीज आए, मैं आपको दिखाती हूँ टूट गया है मेरा बाउल, नहीं सीरियसली टूट गया यार, ये प्रैंक नहीं मैं कर रही, मैं गुस्सा नहीं होती, प्रैंक नहीं कर रही। ये देखे मम्मा पानी भी लीक होता जा रहा है और ये देखे यहाँ से टूटा है, नीचे देखे, नीचे देखे, ये देखे, और यार ये सारा पानी, ये कैमरा बंद कर जाके तौलिया लेके आओ, मुझे हंसी आ रही है, अच्छा ला रही हूँ, ये जल्दी जल्दी लेके जाओ। मम्मा मेरी क्या गलती है, वो सारा लीक हुई जा रहा है, तो ड्रामा लगा रही है बात, मैं ड्रामा नहीं लगा रही, मैं सच बोल रही थी। अब मैं अपनी तरफ से फिशेज का पानी चेंज कर, मच्छी नहीं है वो, मिशू है, मच्छा नहीं मिशू है। अम्मा वो देखे नीचे पानी बहुत लीक हो रहा है, मैं क्या उसको हिलाए ना, उसको दही रखे ना, इसको गिराओ, अब हम लोग जाके मिशू का नया टैंक लेकर आते हैं, ये अर्जेंट तो रखना है ना कुछ, तो क्या रखे क्या रखे, आती हूँ कुछ, यार तुम टेंशन ना लो मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ हूँ। ये देखो इसको लगाते हैं शीशे का ही लगेगा, मम्मा इस पे वो तंग होगी, नहीं नहीं तंग होती, इसे दो उनको बड़ी जगह चाहिए होती, इतने छोटे में नहीं रह सकती, ये टूटेगा भी नहीं, इसी में डालो अम्मा, ये वो छोटा छोटा का इतना लंबा है, कोई इस तरह जो बड़ा सा है ना, इधर आओ है उसका बाउल टूट गया, इधर नहीं वो ना ऐसे से पानी लीक हुई जा रही है, ये देखो ये देखो, जरा को दिखाओ, ये देखो डाल लो मम्मा, एक मिनट रुक जाए ना, उसको ना अभी भेजे, वो बिचारी रोएगी, ये लो पकड़ के उसको भेज, ऐसे ना भेजना, रुक जाओ मम्मा लेके आओ, यार ये देखो ये सारा टूट गया, इधर से दिखा, ये देखो अम्मा हटा है ना उसको, तो दिखो दिख गया ना, क्या अगर मैं धो रही थी तो वो टक नीचे लगा, मुझे कहा था धो, ये रब्बा की जो मंगी है ना, ये मुझे एक दिन करे पागल करेंगी, पौवा लेकर आते उससे मछली को, ये मछली को ला लगाना, उसको कुछ कहना मत, वो बहुत तेज है, उसको बजरी भी डाल देती, तू ना करो, नहीं तोड़ती, चलो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, मम्मा वो देखे वो तैरेगी कैसे इतने बड़े बाउल में, जैनब ने उसको तंगदस्ती की है, अब मम्मा इसको फेंक दे क्योंकि ये किसी को लग सकता है, और ये अब मेरी ये बच्ची गरीब घर में आ गई, वो आई है एक दराड आई है, पानी गिर रहा है इसमें, मैं अच्छे से फूल रख के देखना रखूंगी, तुम देखना मेरी, ठीक है। मम्मा ने इसको डेकोरेशन पीस बनाने लगी, और मेरी बच्ची के बाउल में रहेगी, क्योंकि इस बच्ची का मुझे कोई भरोसा नहीं है, ये जब मर्जी तोड़ सकते, आइंदा शीशे का बाउल नहीं ले, मुझे क्या पता, मैं तो उसको पानी नहीं कर रही थी, ऐसे लंबे से जा रही कभी ऊपर, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है चलो खुश हो जाएगी, वो ढक्कन भी ऊपर दे दो, बंद नहीं कर, उसको ऑक्सीजन चाहिए, खैर अब देखते हैं अब क्या, इसमें तो नहीं फूल, मैं तो कई लगा दे, वो नहीं खेलती थी फूल के साथ वैसे, वो लेकिन लगा देते, हाँ अंदर लगा दे फूल, लगा चल भी फूल साहब नीचे, अम्मा और तंग जगह हो गई उसके, ना करे ना करे, वो तंग हो गई है, उठा दे उठा दे, अम्मा आप हाथ मार रही है अंदर, यार तो हाथ मारने के पानी गंदा हो, बस इसको ऐसे खुश रहने दे। अगर यार साहब मैंने देख लिया कि क्या हुआ, तो खैर अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आज मैंने सोचा है, बस मेरा हेयरस्टाइल अच्छा लग रहा होगा तो आज मैंने सोचा है कि मैंने एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनानी है, जिसका नाम है नूडल्स कटलेस। जो हम जो नूडल्स होती है ना, नॉर्मल नूडल्स, आप लोग उनको एक तरीके से खाते हो, तो मैं उनको डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, कि उनके आप कटलेस भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, तो मुझे चाहिए मम्मा की हेल्प, तो पहले मम्मा से जाके परमिशन लेते हैं, फिर बनाते हैं, फिर आपको बताती हूँ क्या क्या कैसे बनाना है। अगर तो मम्मा इधर सामने बैठी है, मुझे घूर घूर के देख रही थी, किस कप में पी रही हूँ कॉफी,
आप पी के अपनी बेटी के कप में। मम्मा ना मुझे, मैं तो वीडियो में बोल रही हूँ, मम्मा मुझे घूर घूर के देखनी है क्या बात कर रही है। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये काम कब से शुरू कर दी मम्मा, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि आज मेरा कुकिंग करने का दिल चाह रहा है, तो आज मैं बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। चैलेंज अच्छे करती है रब्बा, कुकिंग अच्छी करेगी करेगी। आज परमिशन दे दे, आज अगर अच्छा ना किया आज का कभी प्रॉमिस किचन में एंटर भी। वैसे किचन में गंद मारती है और वो मैं नहीं चाहती। सारे कमेंट सेक्शन में लिखो, सारे कमेंट सेक्शन में, रब्बा अच्छी कुकिंग करती है। रब्बा तू चाहे आज मुझे ना व्लॉग का चैलेंज भी दे के मैंने व्लॉग बनाना है, ये करना है, मैं तुम्हें किचन में नहीं जाने दूंगी। ये मेरा भी चैलेंज है, मुझे पता है जो तुमने जाके कबाड़ा करना है ना बनाना, कुछ भी नहीं है। मम्मा ये आप मुझ पे छोड़ दे, आज कोई कबाड़ा नहीं होगा, और आज अगर इतना मैं साफ भी करूँ किचन और बनाऊंगी भी, बस मैं परमिशन, मैं गवाह गवाह है बहुत है, मैं इनसे पूछती रुके। और इधर तो ये जैनब ये मेरा वाला कर रही है, बंद करो इसको, एक भी बात कर दो, ये तुम मेरे वाले करियो बाल अटकेंगे तुम्हारे। मेरे पास तुमसे एक बात पूछनी थी कि मैं नूडल्स के कटलेट्स बना रही हूँ, नूडल्स के कटलेट्स पता है, तो बस मम्मा के सामने कह दो कि हाँ खाने हैं तो राबिया को बनाना है। बोलो पहले ओंजी से बोलो जल्दी, यार बनाने तो इसको तंग कर रही है। बुजैरा ने भी कह दिया, एक तो जबरदस्त सीन से, और यहाँ पे हिरापी भी खड़ी है। हिरापी नूडल्स के कटलेट्स खाने हैं? मम्मा के सामने बस ऊंची से बोलो, नॉट प्लीज, इतना गंदा बनाती हूं, इतना गंदा बनाती हूं, आज देखना मैं सबको पामाल कर दूंगी। तो ऊंची पामाल कर, मैं तुम्हें पामाल का मतलब पता है, मतलब हम लोग पे यार जो भी होते हैं, नहीं पामाल का मतलब बताओ। पामाल का मतलब होता है कि सबको, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उनसे उल्टा उनको जो भी है चौंका दूंगी यार। एक्सपेक्टेशन पे तुम उतर नहीं रही हो, तो मैं सबको आज सबके एक्सपेक्टेशन से उतरूंगी, कभी थी ही नहीं बड़ी। बस एक बार ऊंची बोल दो मम्मा इसको बताने दो, बोलो बोलो जल्दी मम्मा इसको बिल्कुल नहीं बनाना। यार उन्होंने गंद मारती है यार, अब मैं आपका व्लॉग ही बनाऊंगी, मैं बता रही हूँ व्लॉग में आपको कुछ नहीं करूंगी, बता रही हूँ मम्मा बनाने दे, मम्मा बनाने देने ना, एक बार नहीं ला सके। मैंने अभी ऊंची बात से बोला कि बनाने दे इसको, सीरियसली मेरा खुद आपके किचन में बम फोड़ेगी। हाँ मतलब अच्छा, मैं आपके सारे काम करूंगी। चल करेगी तो ठीक, तुम करोगी नहीं, आप करेगी तो मैं पूरे चार दिन बर्तन बर्तन की बात नहीं, उस चीज को जया नहीं ना करना तुम। नहीं मैं वेस्ट नहीं करूंगी, हिस्सा देना जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं वेस्ट नहीं करूंगी यार। हाँ कर दे तब तू बना, फिर आप भी हाँ करो। हाँ बस कर दिया, हाँ हाँ किया मैंने, हाँ करो हाँ करो, बस कर दिया। चले अब मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रही हूँ, कर दिया तो आज के बाद वरना मैं कभी नहीं किचन में घुस। तुम्हें बता वैसे भी नहीं घुस देती, तो खैर मैं आप लोग अब बताती हूँ कि हमने एक्चुअली में करना क्या है। शुक्र है इजाजत तो मिली, क्योंकि मम्मा इधर सुबह सुबह नाश्ते बना रही है, खैर मम्मा ने अपनी शामियां अलग ही बनाई, इसमें आलू रखने हैं। ठीक है इसके अंदर गाइस हमें जो है ना नूडल्स के बनाने के लिए हमें आलू चाहिए, नूडल्स चाहिए, बाकी बताती हूँ अभी। इसके अंदर आलू बॉयल, मम्मा पर इतने नहीं आलू, थोड़े से चाहिए, ठीक है आलू, और पहले जब उबल जाएंगे फिर हमने नूडल्स को बॉईल करना है ज्यादा सारी को, और फिर आगे आप लोगों को बताती हूँ जब ये सब काम हो जाएगा। ओके गाइस तो हमारे आलू मम्मा ने कुछ ज्यादा ही बॉईल कर दिए हैं, और ये हमारी नूडल्स भी हमने बॉईल कर ली हैं। ठीक है आलू इतने नहीं करेंगे, मैं तकरीबन मैं थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि ज्यादा क्वान्टिटी करी, मैं तो एक दो तीन चार, मम्मा कितने डालू, पांच या छह, रेड कलर वाओ ग्रीन कलर वाओ वाओ वाओ, नहीं ये आलू खराब है मम्मा, हमने साले क्या यूज करने, मुझे तो वो कुछ पता ही नहीं है मुझे तो। मैंने ना एक वीडियो देखी थी किसी की, वो वीडियो दोबारा देखी पड़ेगी। आलू है हम डाल देते हैं, नूडल्स ही डाल दूं, वाह वाह वाह, पहले इनको पीसते हैं मम्मा। नहीं यार पहले वो साथ डाल के साथ पीसूंगी मैं, किसने कहा? ओ हाँ सच्चा ही कह, पहले आलू पीसे और फिर अंदर मैं लड़की की वीडियो देखती हूँ क्या था अंदर। ओके अब इनको पीसेंगे, ओहो टूट ही ना रहे। ओके गाइस तो हमने फाइनल, मम्मा आप क्यों आ रही है, मेरा काम, मेरा बाउल तोड़ देना है। नहीं तोड़ती नहीं तोड़ती, मेरा काम नहीं, मम्मा सब मैंने करना है ना, आप 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 जाएं, आप बाय, तूने गलत बना ली रब्बे, ऐसे नहीं बनाते, मेरा काम है अपना। हां मम्मा तंग कर, आप जाएं आप जाएं, सारा कुछ मैं मांग रही हूं, दफा हो जाओ। तो ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है इसके अंदर हम ये डालेंगे। हेलो यार मेरे से कितना खा, चलो अब इसको हाथ इसी से करें, नहीं नहीं हाथ से करेंगे इसको, करके फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, रुको यार। ओके यार सो हम लोगों ने इसको फुल हाथ, पहले आप लोगों ने हाथ धोना जरूरी है ना, आप लोग हाथ ही ना धो, इसको फुल मलीदा कर लेने। ओके यार फाइनली हमारे पोटैटो मैश हो गए, अंदर नूडल्स कहाँ है मुझे कहीं नहीं दिखनी है। तुम ये क्या कर रही हो, ये मैं बना रही हूँ नूडल्स वाले कटलेट्स, और ये बहुत यम्मी बनेंगे जब आप खाओगे तो उंगलियां चाटोगी। देखो मैं उंगलियां नहीं चाटूंगी, मेरे दिल को कुछ हो रहा है जब से बना रही, ऐसे जैसे आटा मैंने, अब आप लोग सारे जाओ दूंगी, अभी सारे जाओ
ना, मतलब मम्मा अपने गंजे के हाथ में कंघी पकड़ा दी है, वो मार मार के अपना सर जख्मी कर लेगा जैसे ये। जाओ मैं सीख रही हूं, मुझे पहले समझ नहीं आती है। तेरी है अगली बार शादी की, तेरी है मम्मा अगली बार, मेरी नहीं है। आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, जब बन जाएगा फिर तुम लोग छुट्टी करो। मम्मा मेरे सर पे ना करो, मुझे नहीं हो जाए कुकिंग। मम्मा एक हाथ से खाई जा रही है, इसने लगता है हाथ भी नहीं धोए। कसम से धोया मैं, कैमरा पे खड़ी। आप लोग आप ही चलो, क्यों आ रही है किचन में, जाए किचन से जाओ। मैं बुला लूंगी। नूडल्स और आलू मिक्स कर दिए, अब इसके अंदर नूडल्स वाला मसाला डालना है। और गाइस इसके अंदर हम लोग डालेंगे चाट मसाले, चाट मसाला सॉरी, जो नूडल्स का मसाला वही डालेंगे हस्बे जायका। और गाइस इसको हमने मैश कर लिया, अब इनको हम वो करेंगे डिश करेंगे। और ये हमारा पिसगर फातिमा इधर पता नहीं क्या, फातिमा मत कर तुम, और उनको ना पीछे नूडल्स और मिलीदा बन गई है अंदर। देखो कितना मजा है, इसको टेस्ट करके दिखाओ जरा मुझे। जब नूडल्स नूडल्स शामी होता है, नूडल्स कबाब खा के देखो, मसाला देखना कितना मजा है, यमी है ना। अब ऊपर मैं ये इनको करके इसके ऊपर ये लगाऊंगी क्रम्स, और साथ हम मैदा रखते हैं और अभी लगाएंगे, फिर तुम खाना। अभी ना खाओ, अभी ना खाओ, टेस्ट खराब हो जाएगा। अभी मेरे किचन से चली जाओ, फिर आप शेफ काम कर लिया। मुझे मम्मा मैदा चाहिए, मैदे के अंदर पानी, टाइम ही जाया किया। क्यों नहीं अच्छा नहीं है, फिर बार बार खा क्यों रही, अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा ना मम्मा। फातिमा तुम क्या कर रही हो, मम्मा ये देखिए ना पहले ड्रम स्टिक बनाई है, फिर आप पहले ड्रम स्टिक बनाई। यार मम्मा इसको देखिए, मैंने सारा काम खराब कर रही आ गया। नहीं जी अभी तो खाओगे सब, उंगलियां चाटते रहते हैं। अब हम मैदा जो है ना, नहीं जी बहुत मजे का, चाटते नहीं उंगलियां काटते रह जाओगे। फातिमा तुम मेरे किचन के पास ना, देखो निकल जाओ मेरे किचन से। खोल कर दिया इसके अंदर, इस ये तुम्हारे दिमाग की तरह अंदर से खोखला है, ये तुम्हारे दिमाग की तरह अंदर से खोखला। बड़ा ओके गाइस, अंदर जो है ना मैदा इस इधर डालेंगे और अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे। और गाइस हमारे ये रेडी हैं, ये मैदे के अंदर हमने पानी डाल दिया, और हीरा पे मुझे गंदी नजर से देख रही है, मैं पता नहीं क्या बना दिया है। ये मैदे के अंदर पानी डाल दिया और ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया। बेटा जी बहुत मजे की चीज बनने वाली है, खाना नहीं है आपने, मम्मा पापा खाएंगे। अच्छा अब हम लोगों ने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के, तो यहाँ पे कटलेट्स बनाएंगे और साथ ऊपर लगाएंगे। ये हमने हाथों पे ऑयल लगा लिया, ठीक है। ये हमने इतना मम्मा मुझे सारे घूर घूर के देख रहे हैं, हमने इतना से ये पकड़ा, लड्डू पीठी बनाई, ठीक है। इसको हमने इसके अंदर ये किया मैदे के अंदर, ठीक है, और फिर इसके ऊपर लगाया, ठीक है। ऊपर हमने क्रम्स लगाए, ओ माय गॉड ये बहुत वो हो रहा, टूट ना जाए बस। और इसको फिर हम रखेंगे प्लेट में, ये हमारा फर्स्ट रेडी हो गया, इसमें ज़्यादा से रेडी करूँगी। ओके गाइस तो हमारी ये बन गई, और ये कुछ इस तरह से दिखेंगी फिर, तो अब हम इनको फ्रिज में रख देते हैं। ओके गाइस तो फाइनली हमारी ये फ्रीज हो गई, मां प्यारी लग रही है ना, यकीन नहीं आ रहा यार राबिया ने बनाई, अब फिर राबिया से कुछ सीखना पड़ेगा यार, प्यारी है ना, मान गया कभी कभी खोटा सीखा, अभी टेस्ट में अच्छी होगी तो अच्छी होगी, देख लेना। अब इनको गाइस हम लोग ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं किस तरह की बनती है, बस टूटे ना, देखे फुल कड़क है मां कड़क। राबी देख लो कितनी प्यारी बना दी है मैंने, देख रही है ना, अभी पकेंगे फिर देखना। राबे पर ये चिपकाने से कौन से आलू के कटलेट्स बन जाते हैं, ये क्रंच आएगा ऊपर से, ब्रेड क्रम्स लगाते हैं ना वैसा है, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। ओके गाइस सब मेरी गर्दन पे भी आया, सारे मुझे घूर कर देख रहे हैं। ओके गाइस सो फाइनली ये बन गई है, ये मैंने बनाई है, मैंने बनाई है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतनी अच्छी रेसिपी रहा मैंने कैसे बना ली, ऐसी तो मैं नहीं आज तक बना सकती। और यार इसका टेस्ट इतना मजे का है कि नूडल्स खा रहे हो बट इतनी मजे की है ना, अभी खाएंगे ना जब सबको टेस्ट कराऊंगी फिर देखना बड़ा मजा, इनको पकने वाली है खैर अब। ओके गाइस सो फाइनली हमारी रेडी हो गई है, इनको सर्व करती हूँ, आपका भी घर पे रेसिपी बनाए बहुत अच्छी है, सबको टेस्ट करवाती हूँ, पर जरा टेस्ट बुरा हो, केचप इधर है, तारीफ होगी सिर्फ वही करूंगी झूठी, चलो रियली करना, रियली करना, इतनी क्रिस्पी अच्छी है, हां मैं देखी जो नूडल्स बाहर लगाई है ना वो बॉइल करके अंदर भी डालती, अंदर डली है नूडल्स, अंदर नूडल्स भी डली हुई है जी, मजे के ना, मजे के मम्मा। और गाइस सब ए साई नहीं खानी करवानी ऊपर उनको भी दे दो, 10 में से 100 नंबर मिलते हैं, इतनी अच्छी बनी है उल्टा करके। हो गया कि मेरे बगैर भी रबिया भी खाना बना सकती है, पहले मुझे हीरा, अब दो मेरी बेटियां हो गई हैं खाना बनाने वाली।
और ये छोटू भी आ जाए, छोटू मेरा खाना टेस्ट करना, इसको भी करवाते हैं, हाथ टेस्ट करके बताओ कैसी है और तारीफ करनी है सच्ची। आप भी टेस्ट कर लेना ठीक है ना, ठीक है फातिमा तुम ऑयल ना देखो बस खा के बताओ ना यार, इसको भी चखाओ, चखाओ जुहान चखो, नहीं उसको भी अच्छी लगी है, मजेदार अच्छी है फातिमा, टेस्ट बताओ कैसा है, मजे का अच्छी बनाई, मतलब मैं पास हो गई हूँ ना, चलो हट जाओ छोड़ दो, आप ही को भी टेस्ट करवानी है, बाय काकू, आप ही टेस्ट करके फटाफट बता दो, आप ही तो बता, सेवियां बनाई हैं, आप ही बहुत मजे की चीज़ है, खा के देखो यार, वे तुम तो प्रो मैक्स निकल गए यार, मजे की है, मजे की है, ऐसे लग रहा ऊपर निमको लगी हुई है ना, ओ ध्यान से यम्मी है ना, मैं पास हो गई हूं ना, मतलब ये एज अ कुक पास हो गई हूं मैं, शादी के बाद से बंदा को स्कूल होगा, ओह शुक्र है रिश्ता बेटो जल्दी से, कह रहा मैं खुद भी खाती हूं जाकर, और गाइस सबको बहुत पसंद है, मैं खुद भी खाऊंगी, और गाइस पापा जी अब आप भी टेस्ट कर लें कैसी है, खा के बताएं जरा, आपकी बेटी ने खाना बनाया, हाँ जी पहले क्रंची है, ओह गुड, मजा क्या, मैं तो राबेन को बनाऊंगी, राबेन पापा ने खाया है पठान एक्टिंग, ओह गुड मैं भी अच्छा शेफ हूँ, राबेन मेरे खाने की नहीं कभी की, और क्या आपका खाना आप अच्छा होता है ना, पसंद आया आपको, रोज अभी यही मिलेगा, रोज ही आलू बन जाएगा,